तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ जो नया WWE 2K18 गेम आया है उसे कैसे डाउनलोड करना है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। तो पहले ही बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टेक वीडियोज़ और गेमिंग वीडियोज़ लगातार आती रहती हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों पहली बात करते हैं इस गेम के ऊपर। तो जो एंड्रॉयड के लिए गेम्स आए हैं जैसे WWE 2K, तो 2K की तरफ से सिर्फ एक ही गेम आया है WWE 2K, उसके बाद कोई भी गेम नहीं आया है। तो दोस्तों वैसे तो PSP का जो WWE SVR 2011 है उसको मोड करके 12 WWE 12 13 2K 14 2K 15 2K 16 2K 17 बन चुका है, और अब आ गया है 2K 18। तो दोस्तों मोड ही हैं, तो लोग क्या कहते हैं ये मोड, दोस्तों ये SVR 2011 है। तो दोस्तों पूरी वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए गड़बड़ करते हैं। अब दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको आपसे आप सब कुछ डाउनलोड कर लेना है, और फिर ये सब आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं .rar फाइल 1.24 GB की है। तो दोस्तों आपको इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है, कोई भी पासवर्ड नहीं है, अपने आप जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो PSP फोल्डर है दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेना है। वो मेगा फोल्डर की एक फ़ाइल है, तो आपको मेगा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और PSP फोल्डर को आपको इंटरनल स्टोरेज में रिप्लेस कर देना है, मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर देना है, और दोस्तों आपको कोई भी फोल्डर में नहीं पेस्ट करना है, PSP फोल्डर है पूरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना PSP खोलना है। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बता दूँ, आपको एडफ्लाई की लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे आपको 5 सेकंड वेट करना होगा, और फिर इसके पैड पे क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने ये अपना वो है वो गेम है वो मैंने गेम आपको PSP फोल्डर में खोलना है, शेयर इट में था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सा जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप अपने आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी कुछ सेटिंग है क्योंकि ये बहुत लैग करता है गेम दूसरे मोबाइल्स में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये सब सेटिंग्स देखनी है। इम्प्रेसिव मोड कर देना है स्टार्ट दोस्तों, और दोस्तों रेंडरिंग रेजोल्यूशन ऑटो कर देनी है, और दोस्तों इन तीन को क्लिक कर देना है और लो कर देना है, इसको ऑन कर देना है दोस्तों, और दोस्तों टाइम हैक को ऑन कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका फिर भी बफरिंग हो तो अभी तो देखते हैं दोस्तों, अगर मेरा होता है, अगर नहीं होता है, और होता है तो फिर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मोड किया गया है इस गेम को, बिल्कुल 2K18 जैसा लग रहा है गेम, ठीक है दोस्तों। जैसे देख सकते हो दोस्तों, देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है गेम, और सब कुछ खुला मिलेगा आपको सब कुछ दोस्तों। और अगर आपके मूव्स हैं वो 2K14 जैसे ही होंगे, 2K SVR 2011 जैसे ही होंगे, अगर मूव्स ऐसे नहीं होते हैं तो आप खुद बना लीजिएगा, खुद तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग करते हैं गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर, क्योंकि ये दोनों अपने दुश्मन हैं। अरे यार दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ गेम स्टार्ट हो गया है, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2K14, तो मैंने वजह से बताया था 2K18 का मोड है ये, 2K14 का मोड है, 2K14 को मोड करके 2K18 बनाया गया है, ठीक है। मूव्स सारे वही हैं लेकिन गेम है वो पूरा बदल दिया गया है, टेक्सचर्स बदल दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे बना दिए गए हैं। तो यहाँ हमारा गेम है वो स्टार्ट हो गया, जैसे आप देख सकते हो पूरे लाइटनिंग इफेक्ट्स के साथ पूरा गेम है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी बफरिंग कर रहा है, तो स्टार्ट में बफर रेंडरिंग पे आपको स्किप बफर कर देना है, और यहाँ पे फ्रेम स्किपिंग 3 कर देनी है, नॉन बफर फास्टर इसको कर देना है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये गेम अब बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो इसलिए ऐसा आया क्योंकि मैं मेरा जो रिकॉर्ड है वो ऑन है, इसलिए थोड़ा लैग करता है दोस्तों गेम, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।